ठीक है, तो हम लोग एक बार ध्यान देते हैं यहाँ पे, लाइक पहले प्रोसीजर टैक्स है क्या। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे गूगल में सर्च करता हूँ यहाँ पे, तो लाइक इन कंप्यूटर ग्राफिक्स में यहाँ पे ये चीज़ मेंशन है। ठीक है, अब प्रोसीजर टैक्स इज अ टैक्स क्रिएट यूजिंग मैथमेटिकली डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, दैट इज एन एल्गोरिथम। ठीक है, रेदर देन डायरेक्टली स्टोर डेटा। लाइक अगर कहूँ बात इंडेक्ट वे में कहूँ, तो होता क्या है कि लाइक बेसिक जो टेक्सचर है आपका यहाँ पे, वो टेक्सचर क्या इनबिल्ट इसका पार्ट है, जो क्या करता है यहाँ पे अराउंड द प्रोस करता है लो स्टोरेज कॉस्ट। ठीक है, और अनलिमिटेड टेक्सचर रेजोल्यूशन एंड इजी टेक्सचर मैपिंग। ठीक है, लाइक ये एक बहुत सिंपल सा पार्ट है। अगर मैं यहाँ पे, अगर माया में चलता हूँ यहाँ पे, माया के अंदर लाइक इनबिल्ट प्रोसीजर टेक्सचर है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, सेफ्ट एंड राइट क्लिक प्लेन ड्रॉ कर दिया मैंने, आर फॉर स्केल, ऐसा मैंने स्केल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हाइपर शेड पे चलते हैं, ग्रिड को करते हैं ऑफ। ठीक है, ये हाइपर शेड मिलेगा आपको यहाँ पे। जस्ट वो मैंने यहाँ पे क्या किया, हाइपर शेड के लिए यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, लाइक मैं इसको अपने कस्टमाइज विंडो भी बना सकता हूँ। जैसे देखो आपका कस्टमाइज विंडो कैसे बनाते हैं, माय क्लासिक में है, पैनल में गए और यहाँ पर हमने क्या किया, पैनल में जाकर यहाँ पे लेआउट्स, यहाँ पे जाओ लेआउट टू साइड बाई साइड। ठीक है, यहाँ जाओ आप, यहाँ पे पैनल्स पैनल्स एंड आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए, हाइपर शेड, तो आपका हाइपर शेड यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो। अभी करना है क्या मुझे यहाँ पे, लाइक मैंने यहाँ पे क्या किया, माया पे गया, यहाँ पे माया पे मैंने एक सिंपल से एक मटेरियल मैंने असाइन किया, लाइक लैम्बर्ट। ठीक है, सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे लैम्बर्ट मैंने 2 असाइन कर दिया। याद रखना आपको क्या करना है, लैम्बर्ट 1 कभी भी यूज़ नहीं करना, बाय डिफॉल्ट सभी ऑब्जेक्ट में लैम्बर्ट 1 असाइन होता है। हमें यहाँ पे क्या करना है, लैम्बर्ट 2 असाइन करना है। ठीक है, लैम्बर्ट 2 असाइन किया मैंने यहाँ पे। अभी लैम्बर्ट 2 असाइन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे कलर मिलता है, कलर मैं कोई भी चीज़ चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ चेंज किया यहाँ पे, लाइक सपोज कोई भी कलर चेंज करना चाहें कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, राइट क्लिक एंड असाइन, ये देखो। ठीक है, लैम्बर्ट 1 पे मैंने काम किया, लैम्बर 2 अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या करना है, लैम्बर 2 पे डबल क्लिक करो, ये यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे दिखते हैं चेकर बॉक्स, इस चेकर बॉक्स पे जाकर क्लिक करना आपको यहाँ पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे ये टेक्स्चर, जो प्रोसीजरल टेक्स्चर है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे टाइप्स हैं, 2D भी है और 3D भी है। ठीक है, मैं वन बाय वन करके आपको बताता हूँ ये प्रोसीजरल टेक्स्चर होता क्या है। ठीक है, प्रोसीजरल टेक्सचर का लाइक बेनिफिट क्या है, लाइक आपका क्या है, माया के अंदर इनबिल्ट है, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कोई भी टेक्सचर हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने क्लॉथ अप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, क्लॉथ अप्लाई किया, दिख नहीं रहा, तो प्रेस करेंगे 6। ठीक है, अभी क्या है कि अगर मैं कोई टेक्सचर लेता हूँ बाहर से, तो उसका साइज का मैटर करता है। साइज लाइक आपको मैंने कहा था यहाँ पे, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल डी किया मैंने यहाँ पे, मैं एक और मैंने यहाँ पे मॉडल कॉपी किया, राइट क्लिक असाइन, मैंने एक और नंबर असाइन किया। अब मैं यहाँ पे कोई टेक्सचर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सपोज कोई भी टेक्सचर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे गए और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने क्लॉथ येलो क्लॉथ टी। ठीक है, टेक्सचर सेट कहते हैं, सपोज मैंने कोई भी क्लॉथ का टेक्सचर ले लिया, सपोज ऐसा कुछ ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखो तो यहाँ पे इसका साइज गिवन है। ठीक है, साइज गिवन है। अब मैं भाई यहाँ पे साइज मुझे बड़ा चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है कि लाइक मुझे यहाँ पे अगर जाऊँगा सेटिंग पे, टूल्स साइज एंड लार्ज साइज। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास साइज भी मिलेगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास साइज अलग अलग मिलेगा। तो यहाँ पे क्या साइज मैटर करता है। ठीक है, तो ये जो हम लोग साइज ले रहे हैं यहाँ पे, लाइक सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, ओके चलते हैं वापस हम लोग माया में। यहाँ पर सेम वही प्रोसीजर है, मैंने जैसे मैंने मटेरियल अप्लाई किया यहाँ पे। ठीक है, एट्रीब्यूट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट। ठीक है, लैम्बर्ट 3 या ध्यान रखना लैम्बर्ट 1 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने क्या किया, लाइक फाइल पे जाते हैं यहाँ पे, फाइल पे जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेस्कटॉप पे किया मैंने, टेक्स्चर का एक फोल्डर बना रखा है यहाँ पे, टेक्स्चर ले लिया मैंने। अभी ये देखो यहाँ पे क्या है, अभी इस टेक्सचर का साइज है मेरे पास, साइज का लाइक प्रॉपर्टी भी है, ये मेरे पास प्रोसीजरल टेक्सचर है। प्रोसीजरल टेक्सचर में क्या होता है, इसके अंदर मैं जाके चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है, कलर पे जाके मैंने क्लिक किया, कलर पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे इसको एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। देखो जैसे मेरे पास क्या है, गैप कलर है, गैप कलर मुझे चेंज करना है, मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यू कलर है, लाइक इसका कलर मुझे चेंज करना है, मैंने यहाँ पे चेंज किया, तो ऐसा कुछ पॉसिबल है।
वी कलर है, इसका कलर मुझे कुछ चेंज करना है, मैं ऐसा कर सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या फ्रीडम है, मेरे को यहाँ पे क्या प्रेफरेंस मिल जाता है कि मेरे चीज़ें क्या है कैसे है। लाइक मुझे ऐसे कुछ एडजस्टमेंट करना है तो मैं एडजस्टमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, लाइक फ्रीडम कि मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। क्या यही चीज़ इसमें पॉसिबल है क्या? राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट चेक करो, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक इमेज है, ठीक है। प्रोसीजर टेक्स्ट में क्या मैं इसे कस्टमाइज कर सकता हूँ यहाँ पे। कस्टमाइज करने पर लाइक मेरे पास यहाँ पे क्या है, लाइक मुझे कोई चीज़ का लाइक हल्का सा एडजस्टमेंट देना है, क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वेव है, ऐसा कुछ वेवी इम्पैक्ट देना है तो मैं दे सकता हूँ यहाँ पे, यू वेव वी वेव, ठीक है। ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे रेंडमाइज, ठीक है, कुछ इस टाइप से। ओके लाइक ब्राइट स्प्रेड है यहाँ पे देखो यहाँ पे। तो ऐसे कुछ फीचर्स हमारे पास जो प्रोसीजर टेक्स्चर के अंदर गिवन है यहाँ पे। ऊपर से अगर मैं यहाँ पे कहूँ लाइक मैंने कहा ठीक है मुझे अभी इन पे कोई रेंडमाइज नहीं चाहिए, मुझे कोई एडजस्टमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। डिफॉल्ट कलर कैसा है उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मुझे कुछ एडजस्टमेंट करने को मिल रहा है तो मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। कलर ऑफसेट है, कलर ऑफसेट के थ्रू मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा गेम, ठीक है। देखो आप यहाँ पे कि क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे। ओके यहाँ पर भी अल्फा कोई इफेक्ट नहीं दे रहा, ठीक है। यहाँ पर होता है प्लेस टू डी टेक्सचर। अभी प्लेस टू डी टेक्सचर में क्या है, यहाँ पर मैं इसे रिपीट कर सकता हूँ। मैंने रिपीट किया 10 टैब 10, तो मैं ऐसे एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मुझे जो फीचर यहाँ मिला वो फीचर मुझे एक अपने नॉर्मल टेक्सचर में नहीं मिला, ठीक है, जो मैंने टेक्सचर नेट से डाउनलोड किया। प्रोसीजर टेक्सचर में क्या है कि मैं यहाँ पे इतने सारे पैरामीटर एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। प्लेस टू डी टेक्सचर ये सेम पैरामीटर उसमें भी मिलेगा, ठीक है। रिपीट करना है मैं रिपीट कर सकता हूँ, मैंने किया 20 टैब 20, तो मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। कवरेज का एक पार्ट यहाँ पे अगर देखो कवरेज में क्या आता है देखो, ठीक है। कवरेज एक्स एंड वाई अगर आपको दिखाना है, आपको ऐसे दिखाना है तो आप यहाँ चेक करो, आधे पे नहीं है आधे पे है ना। हम लोग ऐसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे कि कितना कवरेज करना है, यही सेम काम आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके ये चीज़ में तो इस पर देखना है और प्रैक्टिस करना है। बाई डिफॉल्ट 1 एंड 1 होता है तो बाई डिफॉल्ट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसलेट फ्रेम यहाँ चेक करो, यहाँ पे कुछ हुआ क्या, कुछ खास इम्पैक्ट नहीं देख रहा है। यहाँ चेक करो, सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे लैम्बर्ट पे गए, इसके अंदर प्लेस टू डी टेक्सचर, यहाँ चेक करो ट्रांसलेट, देख रहे हैं यहाँ पे मूवमेंट आपके यहाँ पे दिखेगा। क्यों दिख रहा है, क्योंकि कलर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो कलर आपको डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है यहाँ पे। तो हम लोग अगर इसमें जाके चेक करें यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसलेट में आपके ये विजुअल होगा यहाँ पे, इसका कलर बिल्कुल सेम है इसलिए पता नहीं चल रहा है यहाँ पे। यहाँ चेक करो अप डाउन एक्स एंड वाई, यहाँ पे विजुअल है। यहाँ पे रोटेशन है, रोटेशन दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। रोटेशन देना है लाइक मैंने कहा मुझे 45 डिग्री चाहिए, मैं 45 डिग्री पे काम कर सकता हूँ, ठीक है, सेम चीज़। ओके तो ये चीज़ आपको क्या थोड़ा सा प्ले करना है, प्ले करके आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको क्या काम करना है, क्या एडजस्टमेंट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, किस टाइप से मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। यहाँ पे मिरर करना है, देखो मिरर दिखेगा आपको यहाँ पे, मिरर यू मिरर वी, ओके रैप यू एंड रैप वी, ठीक है। यहाँ पे चेक करो हम लोग रैप में क्या रैप है, तो यहाँ पे ठीक है दिख रहा है यहाँ पे स्टेगल, यहाँ चेक करो कुछ कुछ डिफरेंसेस आपको मिलेगा। ये ज़्यादा लाइक ऐसा कुछ और लाइक डिफरेंट नहीं है ज़्यादा, आप यहाँ पे जस्ट चेक ऑन करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है और क्या नहीं आ रहा, ठीक है। रिपीट मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे। ऑफसेट है आपके पास, ऑफसेट मतलब आपको एक तरह से दूसरे तरफ लेके जाना है ना, एक एक्सिस है ना, ये दोनों एक्स एंड वाई है। जब आपको दो गैप मिले इट मीन समझ जाओ कि एक्स एंड वाई का पार्ट आपके पास यहाँ पे गिवन है यहाँ पे, ठीक है। रोटेट भी हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे है ना, कितना रोटेट करना है। नॉइज करना है, नॉइज आप ऐसे दिखा सकते हो, आप एक टेक्सचर को आराम से ऐसा कुछ एडजस्टमेंट दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये चेक करो पहले कैसा था और अब कैसा है, तो टेक्सचर को कैसे कस्टमाइज करना है हमने आप चीज़ को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज़ इसमें भी यही यही फीचर मिलेगा आपको यहाँ पे कि क्या पार्ट है और किस टाइप से चीज़ को हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे काम किया, ठीक है, मैं यहाँ पे देखो नॉइज करूंगा, यहाँ पे नॉइज देखेगा मेरे यहाँ पे, फास्ट में कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। चेक करो एक बार, ये चेक करो हमारे टाइम स्लाइडर पे, ठीक है, क्या प्ले करने पे प्ले होता है क्या यहाँ पे, नहीं है। मैक्सिमम अगर आप नॉइज़ यूज़ करोगे ना तो आप प्ले करने पे भी होता है, लेकिन मॉडिफायर है वहाँ पे, यहाँ पे क्या जस्ट सिंपल पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे करके हमने देखा यहाँ पे
ओके गाइस, हमने अभी चेक किया कि भाई प्रोसीजरल टेक्सचर में है क्या। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा टाइप ऑफ प्रोसीजरल टेक्सचर दिखा देता हूँ, टाइप ऑफ प्रोसीजरल टेक्सचर क्या क्या है। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, सबसे पहला काम मैं यहाँ पे सेगमेंट हटा देता हूँ। ठीक है, सेगमेंट्स मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी। ठीक है, सेफ्टी 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 चेक कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं अलग अलग मटेरियल लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक असाइन, यहाँ पे मैं उसके लाइक लैम्बर ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन सा टेक्सचर हमने देखा, लाइक बल्ज है, तो बल्ज किस टाइप से आ रहा है आपके यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे आप नया लैम्बर दो यहाँ पे। ठीक है, अभी आपको सब सारे चीज़ आपको एक बार ट्राई कर लेना यहाँ पे। ठीक है, क्लॉथ चेक कर लिया मैंने, चेकर्स चेक करना यहाँ पे। चेकर्स में क्या है, जैसे हमने चेस बोर्ड बनाने के लिए देखा था यहाँ पे। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं वो हमें एक बार सब कुछ ट्राई करना है। ओके, यहाँ देखो यहाँ पे फ्लूड टेक्सचर 2D, ये हम उसमें काम करने वाले हैं लाइक एफेक्ट्स में, तो आपको अभी इसको यूज़ नहीं करना, 2D पे क्लिक करना। 2D आपके पास यहाँ पे, ये 2D सारे पार्ट आपको मिलेंगे यहाँ पे। 2D में लेके आपको यहाँ पे देखो फ्रैक्टल है, तो फ्रैक्टल का कैम पर देखिएगा आप यहाँ पे किस टाइप से हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं वन बाय वन करके आपको एक बार असाइन कर देता हूँ यहाँ पे, फिर सब कुछ मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ आपके पास है यहाँ पे। जैसे ग्रेड है तो ग्रेड मिल गया आपको यहाँ पे। ठीक है, तो चेक करते हैं पहले यहाँ पे, चलो ये हमने अप्लाई किया यहाँ पे। ठीक है, बल्ज हमारे पास यहाँ पे, इसमें क्या एडजस्टमेंट हो सकता है, लाइक UNV सेम चीज़ आप इनको लाइक काइंड ऑफ विंडो बना सकते हो। ठीक है, तो विंडो मुझे बनाना है, सब कुछ एडजस्टमेंट करना है। कलर बैलेंस है, कलर बैलेंस यू कैन चेंज इट। ठीक है, मैं देखो यहाँ पे मैं कुछ छोड़ा क्या यहाँ पे कलर में, यहाँ चेक कर। ठीक है, ऐसे करके मैं कोई चीज़ चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे कि किसका क्या एडजस्टमेंट है, कलर ऑफसेट। ठीक है, अल्फा गेन, ओके जस्ट ट्राई करो यहाँ पे कि भाई अल्फा इल्यूमिनेशन है। ठीक है, अल्फा इल्यूमिनेंस अगर मैं बोलूँ तो अल्फा इल्यूमिनेंस इंक्रीज करने के लिए कि मेरे पास यहाँ पे कुछ अल्फा में अगर मैं डालूंगा तो यहाँ पे कुछ इंक्रीज होगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ खास यहाँ पे नहीं दिख रहा यहाँ पे। ठीक है, अभी अल्फा होता क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। अल्फा क्या आपका ब्लैक एंड व्हाइट होता है, वो डलेगा आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी में। जैसे देखो ये हमने यूज़ किया यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे सिंपल मैंने ट्रांसपेरेंसी पे जाकर मैंने क्लिक किया क्लिक, एंड यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे, अभी यहाँ बीच में आपको यहाँ पे कुछ अलग से देखिएगा, अलग जैसे मतलब पीछे का पार्ट ये। ठीक है, मैंने अल्फा पे यूज़ किया, अल्फा पे यूज़ करने के बाद ट्रांसपेरेंट हो गया यहाँ पे। ट्रांसपेरेंट में अगर आपको दिखाऊँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है ऑल्ट बी बैकग्राउंड का कलर चेंज करता, देख रहे हैं अभी पीछे का कलर। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट होगा। जब भी हमें कोई भी चीज़ ट्रांसपेरेंट लेके आना होता है तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, अल्फा में यहाँ पे काम करते हैं। मैंने यहाँ पे कलर गेन ऑफ किया तो पूरा कलर दिख रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ चेक कर, दिख रहे हैं कितना ट्रांसपेरेंट है। और मैं कैसे मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे, अभी मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, मेरे पास कोई भी ऐसा पार्ट है जिसके अंदर मैं दिखाऊँ बीच का पार्ट हॉलो है, यहाँ चेक करो ऑल्ट वी, ऑल्ट वी प्रेस करने से दिख रहा है पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो रहा है और वो मेरे पास आर पार भी दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से दिखाऊँ, कंट्रोल डी किया मैंने यहाँ पे, और मैं अगर ऐसे दिखाऊँ तो मेरे पास नीचे दिख रहा है, यहाँ चेक करो पीछे का पार्ट दिख रहा है। ठीक है, ये मैं क्या होता है ट्रांसपेरेंट भी हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी भी मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा गाइड किया, इसके अंदर यहाँ पे देखो यहाँ पे अल्फा लुमिनेंस। ठीक है, अल्फा लुमिनेंस में जाकर यहाँ पे देखें कोई चीज़ कुछ खास इफेक्ट नहीं है अल्फा का, लेकिन रेंडर पे काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो, ठीक है, तो अभी चलो इस पर काम करते हैं यहाँ पे। हमने देखा चेकर्स, चेकर्स एज यू नो सिंपल द पार्ट, पैरामीटर ही है, कलर ही आपके पास यहाँ पे, कलर वाइज आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो यहाँ पे, अपने को जो भी चेंज करना है आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी पार्ट अगर ऐड ऑन करना है, तो ऐसा मैंने कलर चेंज कर लिया डिफॉल्ट। ठीक है, देख रहे हैं, तो जस्ट आपको एक बार सारे पैरामीटर को गो थ्रू करना है कि किसमें क्या चीज़ें आती हैं, किसमें क्या चीज़ हम लोग मैनेज कर सकते हैं, बाकी सब पैरामीटर सेम ही है। यहाँ पे क्या फ्रैक्टल में, फ्रैक्टल में क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या जो भी चीज़ दिख रहा है मुझे यहाँ पे काइंड ऑफ 2D है, 2D मतलब टू डायमेंशन। टू डायमेंशन किसे बोलते हैं, एक्स एंड वाई, जहाँ पे एक्स एंड वाई हो, ठीक है, इक्वल टू लाइक आपका 2D है। यहाँ देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास चीज़ें क्या क्या है, यहाँ देखो कलर बैलेंस भी है, कलर बैलेंस में मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर मैं यूज़ करना चाहूँ, लाइक मैंने यहाँ पे यूज़ किया, देखो यहाँ पे कुछ आता है क्या, कलर गेन यहाँ चेक करो। ठीक है, डिफॉल्ट कलर में आपको कोई चेंज नहीं, कलर गेम में आपने चेंज किया तो चेंज मिला मुझे, ऑफसेट वाइज ऐसा कुछ है यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या जाता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ एडजस्टमेंट करता हूँ, थ्रेशोल्ड दिख रहा है, थ्रेशोल्ड कैसा दिख रहा है यहाँ पे, क्या काम कर रहा है ब्लैक वाला पार्ट है ना, रेशो चेक करो, रेशो में हम लोग यहाँ पे देखो बहुत ही
ब्लर वाटर नीट एंड क्लीन, ठीक है, फ्रिक्वेंसी रेशो, ये फ्रिक्वेंसी को छोड़ रहे, देखा यहाँ पे। तो इन सब चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे अभी कि भाई कैसे क्या काम करने वाले हैं, कैसे चीज़ों को हम लोग मैनेज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मिनिमम लेवल, अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो मिलेगा आपको, देखो मिनिमम लेवल देखो ना, नॉइस का पार्ट आपको इसके अंदर एड ऑन हो रहा है यहाँ पे, मैक्स ठीक है, जितने को यहाँ पे कितना एडजस्टमेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पाऊंगा यहाँ पे कि क्या क्या एडजस्टमेंट मेरे पास यहाँ पे विजुअली विजुअल है, देखो यहाँ पे विजुअल में देखना यहाँ पे, ठीक है। रिफ्लेक्शन आप यहाँ पे चेक करो, ऐसा कुछ दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। लाइक यहाँ पे अगर मैं हल्का सा मैंने यहाँ पे क्या ऑरेंज कलर लिया यहाँ पे, तो देन देखो यहाँ पे ये काइंड ऑफ मुझे लावा बनाने के लिए भी मेरे पास ये हेल्प करता है, वो मुझे कोई लावा शेडर बनाना है ना, तो वो चीज़ बनाने के लिए मेरी हेल्प ही करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ऐसे भी कुछ यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। तो चीज़ें क्या है मेरे पास, एडजस्टमेंट क्या है, एनिमेटेड, अब देखो ये एनिमेटेड है, अब यहाँ पे प्ले करके देखो यहाँ पे एनिमेटेड दिख रहा है क्या यहाँ पे, ठीक है। इवन अगर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट प्ले किया कुछ चेंजेस नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल, मैंने यहाँ पे क्या किया टाइम रेशियो मैंने सेट की कर दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ गया और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, जैसे मैंने यहाँ पे जब मैं यहाँ पे टाइम स्लाइडर मैंने यूज़ किया, टाइम स्लाइडर है मेरे पास यहाँ पे, रेंज स्लाइडर भी मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं देखूँ यहाँ पे रेंज स्लाइडर, यहाँ पे एक ऑटो की होता है, ठीक है, ऑटो की ऑन किया मैंने यहाँ पे, और देन मैं यहाँ पे इसको एडजस्टमेंट करता हूँ यहाँ पे। तो अभी मैं अगर प्ले करके देखो तो मेरे पास यहाँ पे एनिमेटेड दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। मैं एनिमेट कर सकता हूँ यहाँ पे कि भाई मुझे एनिमेट कैसे करना है, किस टाइप से मुझे डील करना है, तो मैं ऐसे भी डील कर सकता हूँ, एडजस्टमेंट हम आपस यहाँ पे दिखेगा किसी चीज को कैसे हम लोग एनिमेट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके ऐसे आप क्रॉस चेक करो यहाँ पे, नहीं है यहाँ पे एनिमेटेड ऑन किया, उसके बाद प्ले करो तो आपको यहाँ पे दिखेगा, याद रखना मैंने की यूज किया है सेट की करके, ठीक है। ओके चलते हैं नेक्स्ट पे। अभी मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ हमने चेक किया, हमने यहाँ पे क्या लिया ग्रिड, अब ग्रिड का क्या काम है, ग्रिड को हम लोग किस टाइप से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग यहाँ पे क्या काम करने वाले हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या, ठीक है, मैं चीज़ों को कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, यहाँ पे लाइन है, लाइन दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। कलर बैलेंस, ठीक है, कलर मेरे पास कैसा है, मैं यहाँ पे कलर वाइज लाइक यहाँ पे मैंने कुछ भी चेंज कर लिया, ठीक है। कलर ऑफसेट, ठीक है, हमें थोड़ा सा प्ले करना है। अब इसको क्या अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज़ करना है कि मैं यहाँ पे किस टाइप से चीज़ को मैनेज कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे दिखाया मुझे इस टाइप से यूज़ करना है, मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा सा एनिमेटेड करना है, मैं अगर दिखाना चाहूँ तो मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है, मैंने यहाँ पे क्या किया जीरो पे क्या, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या, ठीक है, फिल्टर साइज सेट की कर लो यहाँ पे कुछ, अगर मुझे ऐसे कुछ दिखाना है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ दिखा दिया यहाँ पे, तो लाइक इट कुड बी पॉसिबल, है ना। ऐसे करके भी हम लोग कुछ चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी पैरामीटर सेम है, ठीक है, हमने देखा ग्रिड। ओके ग्रिड के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने फिर से एक लैम्बर्ड असाइन किया यहाँ पे, 2D टेक्सचर पे आ गए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ग्रिड है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, माउंटेन यूज कर लेते हैं यहाँ पे, जो जो चीज़ हमारे पास अभी लगता है कि जो हमारे पास काम की चीज़ है, जिनको हम लोग एक बार देख लें, गो थ्रू कर लें, तो वो चीज़ हमारे आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका कलर, अब ये मेन चीज़ क्या, प्रोसेस टेक्सचर में यही बेनिफिट मिल जाता है कि हम लोग यहाँ पे कोई भी कलर कोई चीज़ हम लोग मैनेज करना चाहें कर सकते हैं, पिक करना चाहें कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जैसा मुझे जो भी यूज़ करना है मैं कलर वाइज यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। स्नो कलर है, स्नो कलर को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग कहीं और भी मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ये जो क्या एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड करके आपको यहाँ पे दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, स्नो, जो भी कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं उसका अनलैपिंग नहीं करने वाला, वहाँ पर मुझे टाइम लगेगा, तो उस पर हम लोग यहाँ पे प्रोसीजर टेक्सचर यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जस्ट ट्राई करो इसे, ठीक है, अपने अपने लाइक मॉडल पे लाइक कैसे क्या काम दिख रहा है। वही हम लोग जैसे हम लोग ने प्लेन पे यूज़ किया, हर प्लेन पे हर जगह आपको कुछ अलग देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कि लाइक किस टाइप का पार्ट आपको यहाँ पे, एंड देन माउंटेन है, मूवी, मुझे कोई वीडियो चलाना है तो मैं किसी वीडियो के लिए मैं यहाँ पे MOV यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। मुझे कोई वीडियो अगर पिक करना है तो मैं उसके लिए यहाँ पे वो इस पर क्लिक करके यहाँ पे वीडियो कॉल करूँगा यहाँ पे कि भाई मेरे पास यहाँ पे वीडियो क्या है कैसा है, चलो चेक करते हैं एक बार।
हम लोग अभी इसमें और कुछ ट्राई करते हैं, जैसे मैप्स नॉइज है, नॉइज का मैं पे ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, नॉइज दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो नॉइज में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये सब चीज़ क्या है, मैं इनको जैसे मैंने पॉजिटिव चीज़ में दिखाया, जैसे यहाँ पे दिखाया, ठीक है, कंट्रोल डी किया मैंने यहाँ पे, मेरे पास नॉइज मिला, ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे नॉइज में क्या काम कर रहा है यहाँ पे, सिंपल सा पार्ट, ठीक है, सेम चीज़, ठीक है, ये कुछ ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रेशो है मेरे पास वही सेम चीज़, अब ये सब चीज़ आगे चल के काम आने वाली है, ठीक है, तो बेसिक से एक बार आप गो थ्रू कर लो कि किस टाइप से क्या काम होता है यहाँ पे, ठीक है, टाइमिंग है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी वाइज आप यहाँ पर दिखा सकते हो कैसे क्या मैनेज करना है, जैसे मैंने अभी आपको एनिमेट करना बताया था, एनिमेट कर सकते हैं, जैसे ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, इम्प्लोड करके यहाँ पे, तो ऐसे करके भी कोई इम्पैक्ट हम लोग दिखा सकते हैं यहाँ पे, ओके, क्लिक कर सकते हो, देखो यहाँ पे कहाँ जा रही है, आपको मैनेज कैसे करना, तो ऐसे कुछ करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, तो कुछ ऐसा कुछ टाइप का कुछ टेक्सचर बनाना हो तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कैसे मुझे यहाँ पे डील करना है, ठीक है, यहाँ चेक करो, वेव चेक करो, देखो वेव का भी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है स्पीड, ठीक है, एंड स्पेस टाइम, कुछ चीज़ आपको यहाँ पे बाई डिफॉल्ट गिवन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ चेक करो, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये आपका था प्रोसेल टेक्सचर्स, प्रोसेल टेक्सचर हम लोग यहाँ पे देखा, ठीक है, हमने बहुत सी चीज़ हमने अभी देखा कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, और प्रोसेल टेक्सचर में मेरे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं यहाँ पे, जैसे मैंने कहा ओशियन, ओशियन फाइल मुझे अगर चाहिए तो ओशियन फाइल यहाँ पे देख रहे हो, ओशियन का इम्पैक्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, स्केलिंग है, आप यहाँ पे चेक करो, ठीक है, ऑल्ट भी प्रेस कर देते हैं, बैकग्राउंड को थोड़ा चेंज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं स्केल, यहाँ पे चेक करो, अगर मैंने यहाँ पे लैम्बर्ट पे मैंने कोई कलर दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, सपोज जस्ट मैं यहाँ पे अगर मैं कोई कलर देता हूँ तो यहाँ पे मैं कलर पहले नहीं दे पाऊंगा, राइट क्लिक करो, ठीक है, राइट क्लिक एंड ब्रेक कनेक्शन, यहाँ चेक करो, अगर मुझे कोई कलर देना है मैं यहाँ पे पहले कलर देके यहाँ पे काम करूंगा, मुझे यहाँ कोई भी कलर देना हो तो मैं ऐसे कुछ एडजस्टमेंट पहले करूंगा यहाँ पे, ठीक है, अगर मुझे कोई कलर देने का मन है तो, इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्या लिया फाइल पे, यहाँ पे देखो ओशन मिलेगा आपको, ठीक है, तो ओशन आपको यहाँ पे फिर देखेगा तो भाई कैसा क्या पार्ट है, किस टाइप से चीज़ को मैनेज करना है, ठीक है, तो ओशन बनाने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत हैं, जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं काम करूँ यही चीज़ मैं बम्प पे डाल दूँ तो बम्प पे भी दिखेगा, जैसे बम्प होता है क्या, जैसे देखो यहाँ पे मैं भी दिखाना चाहता हूँ मैं उस ओशन का कलर इम्पैक्ट, तो मैंने यहाँ पे क्या किया ब्रेक कनेक्शन किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या किया लाइक बेसिक मैं अगर यहाँ पे ऐसा कुछ करके मैंने कलर ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और देन मैं यहाँ पे चाहता हूँ, देखो इसे बोलते हैं इनपुट एंड आउटपुट बम्प मैपिंग के, यहाँ पे मिलेगा आपको यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ओशन यूज कर रहा हूँ बम्प में, ठीक है, चीजें वही है, बम्प में क्या होगा देखो डेप्थ दिखना स्टार्ट होगा, बम्प मतलब टू डायमेंशन दिख रहा है यहाँ पे, ये डेप्थ दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, अब इसमें हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे, यहाँ देखो स्केल दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे मॉडल में डेप्थ दिख रहा है यहाँ पे, बम्प क्या होता है डेप्थ के लिए, अभी ओशन के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ऐसा कुछ बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, साइनिंग देना है, अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको डिस्कस किया था कि अगर मैं कुछ साइनिंग दे तो साइनिंग के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे चीज को मैनेज करना पड़ता है, बस लैम्बर्ड है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे ब्लेन रखना पड़ेगा, ब्लेन चाहिए या फॉन्ग चाहिए मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, जैसे फॉर्म किया मैंने यहाँ पे फॉर्म में तो साइनिंग मिल जाएगा आपको, देख रहे हैं साइनिंग, ओके, तो हम लोग यहाँ से अपने टाइप्स ऑफ मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, सैंपल आपके पास यहाँ पे विजुअल होगा, यहाँ पे बम्प में गए यहाँ पे स्केलिंग मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, विंड है अभी देखो यहाँ पे, अगर मैं प्ले करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे प्ले करने पे क्या कुछ विजुअल है क्या, चेक करें यहाँ पे, पॉज किया मैंने यहाँ पे, कुछ अभी वर्क नहीं कर रहा, लाइक वो आपको एनिमेटेड नहीं दिख रहा, तो सेम चीज हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे इनको एनिमेट करने के लिए यहाँ पे की लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ विंड को किया, विंड को देखो विंड का क्या किस तरीके से मैं उस विंड का पार्ट यहाँ पे देखेगा यहाँ पे, अभी मैंने बम्प पे लिया ये यहाँ पे, तो बहुत ही हैंग भी होता है, यहाँ पे क्या नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी किस टाइप से है आपके पास यहाँ पे, ठीक है, किस टाइप से आप यहाँ पे काम कर सकते हो, वेव का पार्ट है, ठीक है, तो अभी मैंने बम्प पे डाल दो, बम्प में चीजें कुछ इस टाइप से विजुअल होंगी, देखो ये एंगल मैं यहाँ पे दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, कि किस टाइप से यहाँ पे चाहिए विजुअल है, यही सेम चीज आप क्या कर सकते हो, आप नॉर्मल भी लेके काम कर सकते हो, यहाँ पे मैंने क्या किया जस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सीधे इस वाले पार्ट को बम पे कॉल कर लिया,
ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे वेव हाइट है, वेव हाइट दिख रहा है अभी, वेव हाइट आपको यहाँ पे मैनेज करना मिल जाएगा अपने यहाँ पे, आप इसके थ्रू लाइक कम ज़्यादा कर सकते हो। आप यहाँ पे यहाँ चेक करें, यहाँ पे भी आपका पोजिशन होगा, वेव टर्बुलेंस है, टर्बुलेंस के लिए आप यहाँ पे चीज को मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। तो अभी इसमें डेप्थ दिखना भी स्टार्ट होगा और लुक एंड फील भी आना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्या मैं वेव पिकिंग है, वेव पिकिंग पे वो ट्राई करो भाई कैसे क्या काम करते हैं यहाँ पे, कि वेव पिक में किस टाइप से चीज़ को मैनेज करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, जस्ट आपको प्ले करना है, एक बार प्ले करके देखो कि क्या कर सकते हो, ठीक है। आपको बहुत से टाइप्स ऑफ चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, मेरे पास टाइप्स ऑफ चीज़ें बहुत सी यहाँ पे, अगर मैंने आपको दिखाया यहाँ पे सिंपल द पार्ट, ठीक है, यहाँ पे मैंने सेट किया और देन मैंने ये पार्ट यहाँ पे रख दिया। ओके, चेक करते हैं, कंट्रोल डी, मैंने कंट्रोल डी के यहाँ पे राइट क्लिक असाइन रैम्बर, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे मिलेगा पीएचडी। आपको कोई भी पीएचडी फाइल अगर यूज़ करना है, पीएचडी फाइल जैसे आपका जेपीजी फाइल आपको यूज़ करने के लिए आपको फाइल में काम आता है, लेकिन कई बार पीएचडी फाइल ऐसा होता है जिसमें हम लोग यहाँ पे कोई चीज़ चाहते हैं पीएचडी फाइल यूज़ करना, वो वहाँ पे नहीं आ पाता, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ पीएचडी फाइल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं भाई, कोई भी फाइल हमने कॉल किया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ कि मेरे पास पीएचडी फाइल कौन सी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ को अगर मैं मैनेज करने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो उन चीज़ को मैं आराम से मैनेज कर सकता हूँ। देखो जो पीएचडी फाइल है मुझे यहाँ पे दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं दिखा सकता हूँ पीएचडी फाइल, यहाँ पे सीधे पीएचडी फाइल आएगा, उसके लेयर भी आएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस पीएचडी फाइल का बेनिफिट क्या मिला कि वो पूरा लेयर के साथ यहाँ पे दिखेगा आपको यहाँ पे। तो ऐसा कुछ समय चाहिए तो हम ऐसे कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, कंट्रोल डी किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, राइट क्लिक असाइन मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल द पार्ट लैम्बर्ट टू डी टेक्सचर पे गए, फिर हमें मिलते हैं यहाँ पे रैम। अभी रैम में क्या है, रैम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। रैम पे अगर मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मुझे कुछ मल्टीपल कलर चाहिए, जो अगर आपको याद हो फोटोशॉप, फोटोशॉप में आपने ग्रेडियंट यूज़ किया था, वो ग्रेडियंट ही है आपका रैम, ठीक है। लाइक मुझे ऐसा कुछ मैनेज करना, मैं ऐसा कुछ मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, मुझे यहाँ पे कोई कलर चाहिए, मैंने यहाँ पे कोई कलर यहाँ पे ले लिया, ठीक है। लाइक सपोज मैंने ऐसा कुछ कलर ले लिया, ओके, मुझे यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके कुछ ऐड ऑन करना है, एक पॉइंट ऐड ऑन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो लेफ्ट क्लिक करके मैंने यहाँ पे कोई चीज़ ऐड ऑन करना चाहता हूँ, मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके मैं चीज़ को अगर मैं पास ले जाना तो कैसे दिखेगा, दूर ले जाऊँ तो कैसे दिखेगा यहाँ पे, ये इम्पैक्ट आपको यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे। इसमें भी टाइप्स ऑफ चीज़ें हैं, वी है, यू रैम पे, ठीक है। यहाँ चेक करो आप, यहाँ पे आपको ऑप्शन बहुत मिलेंगे यहाँ पे, इन सारे ऑप्शन को आप एक बार ट्राई कर लेना, जैसे मुझे ऐसा कुछ चाहिए तो मैं ऐसा कुछ इम्पैक्ट दे सकता हूँ यहाँ पे। बॉक्स टाइप से, बॉक्स टाइप से मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। यूवी है, यूवी के अकॉर्डिंग आ जाएगा आपके यहाँ पे। इनको एक एक बार आपको एक बार गो थ्रू करना है कि कैसे क्या चीज़ें क्या काम होता है, ठीक है। सिलेक्टेड कलर है यूवी, ठीक है, यूवी में ऐसा कुछ मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। वी है, नॉइज है, आई कैन क्रिएट लाइक दिस, कोई भी ऐसा कुछ मैं बनाना है तो यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके हम यहाँ पे चीज़ को मैनेज करके देख सकते हैं, मेरे पास चीज़ें क्या क्या हैं, ऑलमोस्ट हमने देख लिया है, चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक असाइन मैंने अभी एक लैम्बर्ट, अभी कुछ कुछ चीज़ का इनबिल्ट में है, जैसे मैं कहूँ 2D टेक्सचर में गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, सिंप्लेक्स नॉइज यहाँ पे दिख रहा है, ओके, ऐसा कुछ आया यहाँ पे, कंट्रोल डी किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, राइट क्लिक लैम्बर्ट दिया मैंने यहाँ पे। आप यहाँ पे चेक करो 2D में, तो आपको यहाँ पे एक वेव भी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे तो यहाँ पे आपका वेव का पार्ट भी आपको दिखेगा, ओशन अलग है, वेव आपका अलग है, सेम चीज़ आपको यहाँ पे एक बार देखना है भाई, मुझे कोई चीज़ अगर दिखाना है तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ, मुझे वेव का कुछ पार्ट बनाना है तो मैं कैसे एडजस्टमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यहीं से डेप्थ दिखना है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे गड्ढा सा है ना, डेप्थ सा यहाँ पे, लेकिन है कि फ्लैट है, 2D है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी हम यहाँ पे डील कर सकते हैं यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे क्या दिखाया, जैसे मुझे यहाँ पे कोई चीज़ दिखाना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स यहाँ पे गिवन यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, वेव टाइमिंग। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने सेट किया, लाइक सेट की कर दिया मैंने यहाँ पे गया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, वेव टाइमिंग को यहाँ पे
बढ़िया, ठीक है। तब यहाँ देखो ये आपका यहाँ पे सिंपल एनिमेटेड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जितने हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं वैसे चीज़ हैवी भी होती है। लेकिन मैं आपको उसको भी चीज़ दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्ले करके देखो आप यहाँ पे, ठीक है। देखो हमने पॉसा टैक्स यूज कर लिए हैं इसलिए यहाँ पे चीज़ आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। और रियल टाइम पे कर देते हैं यहाँ पे, लेकिन हमने कुछ कुछ चीज़ यूज़ किया ना, देखो जंप करके यहाँ पे आएगा। आप ऐसे कोई देखो एनिमेशन यहाँ पे दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो आप एनिमेट करके देख सकते हो आप यहाँ पे। तो इन चीज़ों को एक बार ट्राई करके देखो कैसे कैसे चीज़ें हमारे चीज़ें मतलब कि इतने सारी चीज़ें हैं कि जिनको हम लोग देखें तो लाइक वो भी कम पड़ेगा। लेकिन जस्ट एक डेमो आपको एक आइडिया मिल जाएगी भाई लैम्बर्ट हम लोग जाकर देखते हैं भाई क्या चीज़ें। ये सारे टेक्स्ट हमें एक बार ट्राई करके देखना है। जैसे सब्सटेंस है, अभी टेक्स्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर आ चुका है मार्केट में सब्सटेंस, ठीक है। सब्सटेंस का अगर मैं कोई चीज़ यूज़ करने वाला हूँ तो हमें सब्सटेंस में बस किस टाइप की चीज़ें यूज़ करेगा, सब्सटेंस के जो टेक्स्ट है तो किस टाइप से हम चीज़ को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, तो वो सारी फाइल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। सब्सटेंस से रिलेटेड जो भी चाहिए हमारे पास यहाँ पे, यहाँ पर अगर मैंने कर दिया लाइक एक लैम्बर्ट, ठीक है। यहाँ पर 2D पर क्लिक किया हमें, हमने आप साइड यहाँ पे कुछ थोड़ा यहाँ पे ऐसा कुछ पार्ट देखा यहाँ पे, ये कुछ इस टाइप से बंडल वोट करके यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे चेक करो यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन हैं यहाँ पे, ये देखो कुछ अलग अलग टेक्निक चीज़ें आई हैं आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अभी बहुत सी चीज़ मैं की लगा चुका हूँ यहाँ पे, क्या वो चीज़ अभी बहुत ही प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये देखना है सेंटर में रखना है, सेंटर में कैसे यूज़ करना है, ठीक है। कैसे हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे सेंटर वी यू, ठीक है। ओके डेप्थ कितना देना है, डेप्थ के साथ आप प्ले कर सकते हो आप यहाँ पे, क्या ऑप्शन है, उन सारे ऑप्शन को एक बार ट्राई कर लेना आप यहाँ पे, क्या पार्ट कैसे दिखता है, क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे, स्मूथ है लाइक रेडियस किस टाइप से है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ ऑप्शन है, इन ऑप्शन को एक बार ट्राई करो। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे बहुत सी चीज हमने यहाँ पे ट्राई कर ली यहाँ पे, ठीक है। ऑलमोस्ट हमने जितना था उतना हम लोग चीज़ को मैनेज कर दिया कि भाई क्या चीज़ है किस टाइप से चीज़ बस मैनेज है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिलता है, बहुत सारे लाइक टेक्सचर्स प्रोसीजरल टेक्सचर, ठीक है। प्रोसीजरल टेक्सचर के साथ मेरे पास एक यहाँ पे क्या एक आपका नॉर्मल टेक्सचर भी है, ठीक है। तो प्रोसीजरल टेक्सचर से हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं कि कैसे हमें क्या क्या डील करना है और किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ।